तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आज जो हमारे पास लेक्चर 3 है वो है एबनॉर्मल मोलर मास और वेंटो फैक्टर। तो इससे रिलेटेड हम सारे जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे, और जो हमारे खुद के जो नोट्स हैं उसमें से भी हम ओवरव्यू जो है वो करेंगे। और इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आज हमारे टारगेट पे होगा। तो देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास जो है वो क्या है। एबनॉर्मल मोलर मास इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन, द मेजर्ड मोलर मास जो है वो डिफरेंट आता है फ्रॉम द एक्चुअल मोलर मास, से बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। वेंट ऑफ फैक्टर, जिसकी शुरुआत 1886 में वेंट हॉफ ने इंट्रोड्यूस की थी। और ये होता क्या है, इसकी 3 डेफिनेशन आप कैसे भी दे सकते हो। इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, यहाँ होना चाहिए एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, ठीक है ना, मोलर मास जो है उसकी, या फिर ये कोई भी एक डेफिनेशन आप बता सकते हो, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इस पूरी कहानी के दौरान हमें दो चीज साफ साफ नजर आएगी, एक तो डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन केस के लिए कभी भी अगर आई की वैल्यू की आपको रिक्वायरमेंट है तो ऐसे छोटे मोटे तरीके इस्तेमाल मत करो। एवरी टाइम परसेंटेज आपको गिवन होगी तो फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू I-1 और N-1, जो कि हमारे नोट्स में पहले से ही मौजूद है, ठीक है। एसोसिएशन के केस में यही फॉर्मूला जो है हमारा वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, क्या अल्फा इज इक्वल टू 1 - I और 1 - cos N होता, लेकिन 1/N है, ठीक है ना। तो ये एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है और ये डिसोसिएशन के लिए। तो हमारी सारी जो समस्याएं हैं सारी खत्म। यहाँ भी अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और एक एक करके अगर मैं वैल्यू बताऊं, यहाँ पर अल्फा तो पता ही है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई वेंटो फैक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल हैं तो यहाँ एन की वैल्यू 2 कंसिडर होगी। उसी तरह से यहाँ पर 2 और 1 3 आयन है तो यहाँ एन की वैल्यू 3 कंसिडर होगी, ठीक है ना। आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ये हमेशा 1 के बराबर होगी इन केस ऑफ यूरिया, ग्लूकोज, शुगर। अब ये पूरी एक लिस्ट बनाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको, उसमें आप देखना। आई की वैल्यू हमेशा कम होगी 1 से अगर एसोसिएशन का केस हुआ है, ठीक है। डिसोसिएशन के कुछ केस ऐसे भी हैं जो नीट में आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था और इसमें आपको बताना था कि जो आई की वैल्यू है और परसेंटेज दी हुई थी तो कितने आयन से प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर दिखा रखे हैं 2 K पॉजिटिव है, 1 सल्फेट है, 2 एल्यूमिनियम, 3 पॉजिटिव और 3 सल्फेट है। H2O जो है इसका कोई रोल नहीं होता डिसोसिएशन में। सभी आयन अगर आप जोड़ लोगे तो आपको 7 1 जो है वो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये है क्या, किस तरीके से यूज होगा आने वाले इसमें टॉपिक में देखना। एसोसिएशन के केस में अगर मान लो 100% डाइमर बन रहे हैं, यहाँ पर 100% डाइमर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, 1/2 हो जाएगी। अगर इसी तरीके से 100% क्या टेट्रामेराइजेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पर इसकी जगह हो रहा है टेट्रामेराइजेशन, 4 मोलिक्यूल हैं जो इस तरीके से A4 बनाएंगे, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो होगी आपकी बड़ा इजीली 1/4 हो जाएगी, ठीक है। इनके जितने भी जो ये जो प्रोसेस है हमारे पास इनकी शॉर्ट कीज पहले से ही है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी अभी बताया था एसोसिएशन के केस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 - I / 1 - 1/N, और ये बहुत इजीली हमारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आगे अगर हम चले, इनके अल्फा वगैरह इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सारे अल्फा वगैरह वैल्यू है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स के केसेस में याद रखना हमेशा, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर डिसोसिएट होता है, जैसे 2K पॉजिटिव और Hg I4 2 नेगेटिव, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे आफ्टर डिसोसिएशन, क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 3 दिखाई गई है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेने से पहले एक बार जल्दी से देखते हैं कि ये तो चलो इन्होंने बताया, हमने क्या पढ़ा था। तो देखो जरा ध्यान से, वेंटो फैक्टर की दुनिया में हमने इन चीजों पर ध्यान दिया था, डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों चीजें होती हैं। डिसोसिएशन डिसोसिएशन के केस के लिए मान लो 10% डिसोसिएशन है, 20% डिसोसिएशन या 100% डिसोसिएशन है, फॉर्मूला हमारा क्या था, अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1, और यहाँ पर 1 - I और 1 - 1 - 1/N। अच्छा, यहाँ हमने भी 3 तरह से इस तरीके से फॉर्मूले लिखे थे वेंट ऑफ के, जहाँ पर हमारे लैंग्वेज में ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन था।
ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल, तीनों से आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। एबनॉर्मल मोलर मास उनकी डेफिनेशन क्या थी और हमारी क्या है, मोलर मास विच इज आइदर लेस और मोर देन नॉर्मल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। वेंटो फैक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं तीन तरह से, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इतना सब कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है जितना उन्होंने अपने डेरिवेशन में दिखाया है। हमने जो अपनी डेरिवेशन की है हम उसी पर अभी भी बिल्कुल स्टक रहेंगे। जैसे इस तरीके से डिसोसिएशन होता है तो हम इनिशियली इसको सी मानेंगे, ठीक है, ये जीरो जीरो है। लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हम यहाँ पर सी अल्फा करके सी माइनस अल्फा करेंगे। ऐसा करने पर आई की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इन सभी को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये आफ्टर है, फाइनल है। और बिफोर क्या है, बिफोर डिसोसिएशन सिर्फ क्या था आपका, सी था, ये इनिशियल है, सी लिख देंगे, ये कैंसिल हो गया और जो भी आया आपका ये कैंसिल होने के बाद 1 प्लस अल्फा आ गया। यहां से के ए जो था डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको भी हम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट करते थे फाइनल स्टेज वाले पोर्शन को, तो हमें क्या मिलता था, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। जहां पर अल्फा की वैल्यू इतनी छोटी होती थी कि हम उसे इग्नोर कर देते थे और हमें के ए इज इक्वल टू क्या मिलता था, सी अल्फा स्क्वायर। यहां से हम अल्फा को बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ही अल्फा यूज करते हैं वैसे तो, एसोसिएशन में हमने 1 माना था इसको, तो वो अलग केस है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल, ये जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है ये स्टार्ट होते हैं और मैंने दोनों पैटर्न आपको बता दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उन्हीं से ही। इन्होंने कहा है कि 0.1 कैपिटल एम जो कि एक मोलैरिटी है एचसीएन सॉल्यूशन, इसकी पीएच है 3, तो बताओ आई यानी वेंट ऑफ क्या होगा और अल्फा यानी डिग्री क्या होगा। हम अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, देखो HCN will give you क्या H positive plus में CN negative, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आपको वही इनिशियल क्या लेना है, सी जीरो जीरो। लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका, सी अल्फा और ये सी माइनस सी अल्फा। एवरी टाइम आप यही करो। आपको क्या निकालने के लिए कहा है उसने, आई, आई तो बड़ा इजिली निकल सकता है, अल्फा भी निकालने के लिए कहा है। तो देखो 0.1 तो 0.01 मोलैरिटी तो आपको दे ही रखी है सी, तो क्यों ना हम सी अल्फा की वैल्यू अगर रखें, एच पॉजिटिव जो कि बराबर होता है सी अल्फा के, जो भी जो कि बराबर है किसके, एच पॉजिटिव की वैल्यू कहाँ से निकल जाएगी, पीएच से। अगर किसी की चीज पीएच 3 है तो फिर उसकी एच पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, बड़ा सिंपल यार, 10 की पावर -3। तो यहाँ से आपका सी जो दे ही रखा है 10 की पावर -2, तो यहाँ से आपका अल्फा जो है बड़े इजिली निकल सकता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10 की पावर -1, जो कि आपको यहाँ दिख भी रही है, ठीक है। तो अल्फा फाइनली पता लग गया 0.1 है, और जैसे ही अल्फा पता लग गया तो हमें क्या करना होता है, हर बार वही अपने तरीके यार, नॉर्मल जो तरीके होते हैं, आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, वही तरीका जो हमने किया है, सी अपॉन में सी, तो इतना कंफ्यूजन है ही नहीं, सी कॉमन ले लो, आंसर आया 1 प्लस अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या कैसे निकाल सकते हो, 1 प्लस अल्फा, अल्फा आपके पास पहले से ही है, इसे डालो और ऐड कर दो 1.1, ठीक है। कई बच्चों को कहते हैं कि स्पीड सर आपकी बहुत तेज है, देखो यार स्लो स्पीड में आपको पता है 18 क्लासेस की जगह मुझे यही काम 6 क्लासेस में करना होता है, तो स्पीड तो ऑब्वियस ही बात है तेज होगी। फिर भी अगर आपको किसी को अगर ज्यादा स्पीड है तो आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे, फाइंड आउट द आई, अब की बार फाइंड आउट करनी है 0.1 मोलैरिटी HCN और के ए जो है वो आपको गिवन दे रखा है, फिर से वही अपना सी अल्फा वाला चक्कर है जो, तो यहाँ से के ए को अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे मैंने अभी अभी आपको डेराइव करके बताया था, तो के ए इज इक्वल टू होता है क्या, सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, के ए अपॉन में सी का अंडर रूट, तो के ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, ये कंसंट्रेशन, तो यहां से आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो 10 की पावर -3, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 का अंडर रूट, यानी अल्फा की वैल्यू अगेन -1, यानी अल्फा अगेन 0.1 आ गया। अब जैसे ही आया तो वही आपने जो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कर रहे थे, यहां भी वही आएगा आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो यहां भी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1, दिस इज आंसर।
तो जो हमने सीखा है वो भी किसी से कम नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया जो ट्रिक्स हमने नॉर्मल क्लासेस में सीखी है वही ये रिपीट कर रहे हैं। बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड हो, नेचर पर डिपेंड ना हो, इसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चार तरह की होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। सभी चीजों को प्रॉपर करने के लिए मैं सिर्फ आज एक ही प्रॉपर्टी करवाऊंगा, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से, जिसका फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का और ये बॉइलिंग पॉइंट है आपका सॉल्वेंट का। ठीक है, आगे चलें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ही इन्होंने भी शुरुआत की है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये होता क्या है। द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का तो पता लग गया। इसको नॉर्मली हम ये भी बोल देते हैं द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी, प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट, और इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ टीबी आता है, टीबी नॉट आता है यहाँ पे, लेकिन डेल्टा टीएफ के केस में ये चीजें कुछ पलट जाती हैं। यहाँ पर टीएफ नॉट आगे आएगा और यहाँ टीएफ आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, यहाँ टीएफ नॉट स्टार्टिंग में आता है, यहाँ आपका सोल्यूशन स्टार्टिंग में आता है। ठीक है ना, और यहाँ आपका प्योर सॉल्वेंट स्टार्टिंग में आता है। अच्छा, ग्राफ को भी बड़ा सिंपल वे में आप समझ सकते हो, और इसको समझने से पहले आप अगर इस पे ध्यान दोगे तो आपको ये ग्राफ बहुत आसान लगेगा। किस पे भाई? देखो, अगर किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात की जाए, यहाँ पर मान लो सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्वेंट के ऊपर की लेयर को देखोगे तो आपको सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के दिखाई देंगे, बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल तो सॉल्वेंट के होंगे लेकिन कुछ मॉलिक्यूल आपके सॉल्यूट के भी होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बताया था कि जो वेपर प्रेशर है, दोनों को 100 डिग्री पर अगर मैं गर्म करूं तो यहाँ पर वेपर जो है आपको वो ज्यादा दिखाई देंगे और यहाँ पर वेपर कुछ कम दिखाई देंगे। रीजन क्या था? रीजन ये था, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, यानी फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाई सॉल्वेंट गेट डिक्रीज, क्योंकि कुछ तो सॉल्यूट की आ गई ना, डिक्रीज। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्वेंट एस्केपिंग मॉलिक्यूल जो है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज। देयरफॉर इनकी वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, डिक्रीज। तो इसकी वजह से ये ऐसा होता है कि ये कम हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि आप कुछ भी करो, आप इसके जो वेपर प्रेशर है, कुछ भी करो, आप सॉल्वेंट के बराबर ला के दिखाओ मुझे। तो आप क्या करोगे, 100 डिग्री तो इसका था, इसका टेम्परेचर आप 102 डिग्री कर दोगे, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल भी आपके इसके बराबर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, इसको बोलते हैं एलिवेट करना, टेम्परेचर बढ़ाना। कितना बढ़ाया है, 2 डिग्री, बस इसी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, जो कि होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी का मतलब सोल्यूशन, जो कि है 102, यह है आपका 100, आंसर आया 2 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो और केल्विन भी बोल सकते हो। ठीक है ना, जो कि हमें न्यूमेरिकल में और अच्छी तरह पता लग जाएंगे। तो ये वही चीज दिखा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका बिल्कुल यहां तक है और ये यहां तक है, लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं, ये यहाँ पर टीबी नॉट है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस ही बात है ज्यादा ही होगा, लेकिन सॉल्यूशन का कम होगा। क्यों? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो इसी सॉल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, इसके बराबर लाने के लिए इन्होंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और क्या कर दिया, टीबी। यहाँ टेम्परेचर 102 है, यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री है। इसी बढ़े हुए टेम्परेचर को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर आ चुका है, जैसे हमारे इसमें। तो इसको करने के बाद इन्होंने यही चीज बताई है, द कर्व जो ए बी को रिप्रेजेंट करता है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए है। ये देखो, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी, प्योर सॉल्वेंट, और जो कर्व सी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सॉल्यूशन के लिए है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का रिलेशन इन्होंने लगाया है कि यहाँ पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, इसका कम है, तो बराबर करने के लिए इसको इंक्रीज किया गया है। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड दैट, ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली दैट
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सच बात है, अगर आप और ज्यादा इसमें सॉल्यूट डाल दोगे तो इसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी जो टीबी है वो और इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से टीबी डेल्टा टीबी भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल बात सच है, ये मोलैलिटी के इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ आ गया आपका के बी इंटू एम। के बी का एक नाम तो है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और एक नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में आती है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, भाई ये के बी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी बी के, अगर आप मोलैलिटी जो कि होता है एन अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट के जी दोनों को वन और वन कर दो, तो ये वन मोल कर दो, ये वन के जी कर दो, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो वही चीज बताई गई है, वन मोल अगर इसे कर दिया जाए और ये वन के जी कर दिया जाए तो ये वैल्यू आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगी, किसकी, के बी की वैल्यू। उसी से डेफिनेशन बनाई गई है। कुछ चीजें नीट में भी पूछी जाती हैं, तो के बी की वैल्यू अगर मान लो डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसे बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन के टर्म में ली जाए तो यहाँ पर एम होता है आपका कैपिटल एम मोलर मास, ठीक है, ये मोलर मास है। आर है आपका गैस कांस्टेंट, टी बी नॉट ले रखा है प्योर सॉल्वेंट का जो भी प्रेशर है, और डेल्टा एच वेप ये थोड़ा नया है, इसको मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं या फिर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं। आमतौर पर ये क्वेश्चन आपका नीट मेंस में ही पूछा जाएगा। के बी की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। तो जल्दी से बताइए, क्या कोई बता सकता है के एफ की ऐसा यूनिट क्या होगी, चैट सेक्शन में जाओ और बताइए के एफ की ऐसा यूनिट क्या होगी आपके हिसाब से। अगर के बी की होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल तो फिर के एफ की क्या होगी, अगर कोई भूल गया हो नो प्रॉब्लम भाई, होता है, हम रिपीटेशन में हैं अभी, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। वेरी गुड जतिन, बिल्कुल सही आंसर है। कोई जतिन को टक्कर देने वाला भाई जो बता सके इसकी ऐसा यूनिट। मयूर भी ठीक है, देखो सेम होती है, दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है, इसे मोलैलिटी के टर्म में जो केल्विन पर मोलैलिटी बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों के फार्मूले आपके सामने हैं, मोलर मास ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के केस के लिए हम आई भी लगाएंगे, आपको पता है आई का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। एक बार फिर से उन्होंने के बी की वही द्वारा फार्मूला रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम अपने क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बताओ सॉल्यूशन का किसका होगा। देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, चलो चेक कर लेते हैं। आई की वैल्यू यहाँ देखोगे तो वन है, सॉरी टू है, यहाँ देखोगे थ्री है, यहाँ देखोगे फोर है, यहाँ देखोगे तो वन है। तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई, डी में है, और डेल्टा टी बी जो है वो आई इंटू के बी इंटू एम ही तो होता है, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी बी, लेकिन ये डेल्टा टी बी नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बताओ सॉल्यूशन का, ये डेल्टा टी बी नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं। अब डेल्टा टी बी क्या होता है, डेल्टा टी बी होता है टी बी माइनस टी बी नॉट, यानी डेल्टा टी बी ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगी तो डेल्टा टी बी ज्यादा होगा, और डेल्टा टी बी ज्यादा होगा तो बताओ अगर यही ज्यादा होगा तो टी बी क्या होगा, यार टी बी क्या होता है, ये तो वैल्यू प्लस होगी ना, तो डेल्टा टी बी प्लस में टी बी नॉट, यही तो होता है आपका टी बी। यानी कहने का मतलब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब ये है अगर डेल्टा टी बी ज्यादा हुआ, यानी ये वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो टी बी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली ज्यादा ही तो आएगी यार, क्योंकि प्लस ही तो हो रहा है, यानी ये टीबी और डेल्टा टीबी और टीबी अगर ये ज्यादा आती है तो ये भी ज्यादा आएगी। तो देखो आई की वैल्यू डी में ज्यादा है तो डेल्टा टीबी ज्यादा है, डेल्टा टीबी ज्यादा है तो टीबी भी ज्यादा है। ये काम टीएफ में नहीं होता, मैं बता दूं आपको, बिल्कुल वैनिश कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर बात, ये काम टीएफ में नहीं होता, टीएफ में खेल दूसरा होता है। डेल्टा टीएफ वाले केस में टीएफ नॉट पहले आता है और टीएफ बाद में आता है। तो यहां अगर आप टीएफ निकालने बैठ गए तो देखो कहानी उल्टी हो जाएगी,
ये हो जाएगी। अब सोचो अगर आपका डेल्टा टी एफ आई इंटू में के एफ इंटू में एम है, क्लियर। अगर आपकी आई की वैल्यू ज्यादा आती है तो आपका डेल्टा टी एफ नो डाउट ज्यादा आएगा, लेकिन क्या डेल्टा टी एफ के ज्यादा आने से, इसके ज्यादा आने से आपका टी एफ भी ज्यादा आएगा? आंसर है नो। यानी इसके केस में अगर आई इंक्रीज होता है तो डेल्टा टी एफ भी इंक्रीज होगा, लेकिन टी एफ डिक्रीज होगा। जिसने ये चीजें समझ ली ना, तो वो नीट में तो क्या, सीबीएसई तो क्या, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कर पाएगा। लेकिन इन केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आई अगर ज्यादा होगा तो डेल्टा टी भी नो डाउट ज्यादा होगा, लेकिन टी भी ज्यादा होगा, इसकी तरह कम नहीं होगा। रीजन मैंने पहले बता दिया। तो ये जो हिस्सा इसमें है ना सर्कल के अंदर, ये बहुत खास है। जिसकी समझ में आ गया अच्छी बात, नहीं तो वो आगे क्वेश्चन में फंसने वाले हो भाई। अगेन एक और क्वेश्चन, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बताइए। फिर से आई की वैल्यू पे डिपेंड है सारा खेल। यहाँ अगर देखोगे तो सभी की वैल्यू पता थी, नीट के एग्जाम में एलम किसी के पता ही नहीं एलम क्या होता है। आज ही क्लास में प्रैक्टिस करके आए हैं, K2SO4.Al2SO4 thrice। आपको पता है यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लगभग लगभग 7। और यहाँ बाकी में 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। नो डाउट सी इज राइट आंसर, क्लियर। ठीक है ना, 3 और 2 5, 6 7 8, 3 और 2 5, 6 7 8, 8 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन, बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल सेक्शन है हमारे। तो आज ये सारे के सारे न्यूमेरिकल सेक्शन बचे हुए जो समय में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो पूरा फोकस रखना अपना, बहुत सी चीज ऐसी है जो नहीं सीखोगे आप, कुछ तो सीख भी गए होगे। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, बताया ही नहीं कौन सा मेटल है, क्या है, कुछ नहीं, मेटल क्लोराइड बोल दिया हम तो इसको MCL। आगे क्या लिखूं मैं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, मुझे पता ही नहीं, 5 लिखूं, क्या लिखूं? यही तो चीज वो पूछ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, 2 3 4 क्या होगा। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 102 है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एक्वस, एक्वस का मतलब पानी भी है, ठीक है। और केवी की वैल्यू गिवन दे दी, मोलैलिटी भी गिवन दे दी, 1 है। अब तो कुछ राय नहीं यार, हमें क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकाल लो। अगर मान लो आई की वैल्यू 3 आई है तो फॉर्मूला क्या होगा, MCl2। आई की वैल्यू मान लो 4 आई है तो फॉर्मूला क्या होगा, MCl3। आई की वैल्यू अगर मान लो 5 आई है तो फॉर्मूला क्या होगा, MCl4। सिंपल, तो देखते हैं आई की वैल्यू क्या आती है। चलो आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी ये 1 है, ओके। KB 0.4 है, डेल्टा टी भी बिल्कुल आप निकाल सकते हो, 102 सॉल्यूशन की होती है, पानी एक्वस का मतलब पानी, पानी की 100 है तो माइनस कर दो, 2 आ गई डेल्टा टी भी, रख दो इसको भी। सो आई की वैल्यू 5 इंडिकेट दैट योर फॉर्मूला इज MCl4 फाइनली। तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सोचने वाली बात थी, क्या बच्चे एक्वस को देख पाएंगे, ठीक है ना, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, कॉन्सेप्ट पता लगी गया। ओके, 20% यूरिया, भाई बहुत सी इन्फॉर्मेशन आएगी। 20% 100, 20% का मतलब 20 ग्राम, 100 ग्राम, और तो 80 ग्राम पानी की भी आ गई, ठीक है। इज देयर, फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट इन एक्वस मीडियम, बॉइलिंग पॉइंट बताइए एक्वस मीडियम में क्या होगा। तो देखो बड़ा सिंपल यार, बॉइलिंग पॉइंट अगर उन्होंने पूछा है तो हमें जाहिर सी बात है डेल्टा टी वी ही बताना होगा। यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, के वी की वैल्यू आपकी दे ही रखी है येरी। और मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है भाई, ये होता है W2/M2 × 1000/W1। उम्मीद है पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। W2 इन्होंने दे रखा है 20 ग्राम, तो यहां से ये चीज वैल्यू हम 20 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मोलर मास यूरिया का 60 होता है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, W1 यानी पानी का वजन ग्राम में, बिल्कुल जी 80 होता है, लिख सकते हैं। केबी की वैल्यू लिख सकते हैं, दे रखी है, तो रह क्या गया, डेल्टा टी भी आ गया आपकी, खत्म खेल, ठीक है ना। तो डेल्टा टी भी यहां से आई है 2.08, बट उन्होंने ये पूछा ही नहीं। डेल्टा टी भी होता है एलिवेशन इंक्रीजिंग, कोई वर्ड तो दे, लेकिन वो तो सीधा सीधा कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट निकालो सॉल्यूशन का, यानी आपको टी भी निकालना है। टी भी निकालने के लिए फिर से वही जो चीज अभी अभी हमने सीखी थी, क्या, डेल्टा टी भी इज इक्वल टू टी भी माइनस टी भी नॉट, एंड योर आंसर विल बी इन योर हैंड। टी भी नॉट जो है पानी का है, 100 डिग्री लिख सकते हो इसके लिए, पर आपका आंसर बड़ा इजीली 102.08 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, क्लियर।
नो डाउट। आगे अगर हम चले तो एक और क्वेश्चन है, ये क्या है? इफ ए सॉल्यूशन कंपाउंड प्रीपेयर्ड इन ए डिफरेंट सॉल्वेंट, इफ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन, लो जी आपकी ये आपकी मोलैरिटी यानी एम आ गई। फाइंड आउट वेदर द एसोसिएशन डिसोसिएशन टेक प्लेस, क्या हुआ है एसोसिएशन या डिसोसिएशन इन द फॉलोइंग केस। पहला केस, अगर डेल्टा टीबी की वैल्यू 2 है, केबी की वैल्यू 5 है और मोलैलिटी की वैल्यू दे ही रखी है हर केस के लिए 0.1 है, तो पुट कर दो सभी को। डेल्टा टीबी पता है, केबी पता है, मोलैलिटी 0.1 पता है, आई की वैल्यू क्या आई 4 बाय डिसोसिएशन हुआ है बिकॉज आई इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली इन दिस केस अगर आई की वैल्यू वही डेल्टा टीबी पता है, केबी पता है, आई की वैल्यू 0.5, नो डाउट एसोसिएशन है बिकॉज आई इज लेस देन 1। और आई की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ जाए तब क्या लिखोगे? आंसर है, इन्होंने कहा है एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ है और सॉल्यूशन रिमेन सेम, आंसर है सॉल्यूशन रिमेन सेम। क्लियर? चलो थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और एक मिनट एक मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा और ये नीट वगैरह मेंस वगैरह में पूछा जाता है। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले जाओ, खेल खत्म। क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्यूशन में 20% यूरिया और 20% NaOH है, ठीक है? अच्छा फाइंड आउट करके बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम इफ केबी की वैल्यू आपको गिवन है। देखो 20% यूरिया है और 20% NaOH है, ये बात तो सही है, सही है। हमें तो क्या निकालना है? फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी टीबी निकालना है। चलो पहले डेल्टा टीबी निकालते हैं। डेल्टा टीबी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी केबी की जो हमारे पास है, आई की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम कंफ्यूज हैं। भाई हम आई कौन सी लिखे, उन्होंने तो कह दिया दोनों को मिक्स कर दिया, हम कंफ्यूज हो गए यार। आई यूरिया की देखें तो 1 है, NaOH की देखें तो 2 है, हम तो कंफ्यूज हो गया यार, यार इसका क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों ही चीजें मिक्स कर रखी हो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नया सीखना है तो आज की क्लास में ये नया है, बाकी तो सारी रिविजन ही है, अभी देखना सारी रिविजन ही चलेगी। तो आई मोलैलिटी तो बहुत सिंपल है, देखो आप निकाल सकते हो मोलैलिटी, और लेकिन आई थोड़ा डिफरेंट है। तो मोलैलिटी दोनों को मिक्स करने के बाद कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज, यही होता है। नंबर ऑफ मोल में हम फंसे हुए हैं कि नंबर ऑफ मोल 1, पहले देखो 20 ग्राम परसेंटेज से निकाला मैंने, 20 ग्राम यूरिया है और 20 ग्राम NaOH है, तो ग्राम तो पता लग गया। तो नंबर ऑफ मोल तो देखो 20 ग्राम यूरिया का होता है 60, 60 होना चाहिए भाई, 360 कहाँ से आ गए, 60 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसका है 20 ग्राम का 40, ये ठीक है। अब यहाँ यहीं पे आपको आई की वैल्यू रखनी है, पहले केस के लिए यूरिया के लिए 1 थी और इस केस के लिए आई की वैल्यू क्या है 2 थी, बस यहाँ रखनी है, आपका मिक्सअप मोलैलिटी सामने आ जाएगा, ये आपकी मोलैलिटी आ गई। इन शॉर्ट जो भी मोलैलिटी आई है उसको यहाँ रखो, केबी की वैल्यू यहाँ रखो, आई की वैल्यू तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुकी है इसलिए आई की टेंशन नहीं है, आई इज नॉट नेसेसरी क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। डेल्टा टीबी आपका ये आ जाएगा, उसी को फिर से टीबी 100 डिग्री सेल्सियस होता है टीबी नॉट, तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया खत्म। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट 40 क्यों लिया है इस क्वेश्चन में। वेट ऑफ सॉल्वेंट 40 का मतलब है, ये देखो आपने यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट 60 लिया है, पहली बात तो देखो 40 नहीं है, चलो ठीक है आपने याद दिलवा दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो केस था वो नहीं हुआ था। सुनो जरा ध्यान से, अगर किसी 20% अगर मान लो यूरिया है तो 20 ग्राम यूरिया हो गया, उसके अलावा 20 ग्राम आपका NaOH है तो 20 ग्राम NaOH हो गया, लेकिन अब इसको 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें से माइनस करोगे तो आंसर क्या आ गया 60 ग्राम आपका सॉल्वेंट आ गया, तो वो सॉल्वेंट वेट आपका उसका 60 लिया है ग्राम में, किलोग्राम की बजाय 1000 आपको पता है डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ ये चीज थी जो मैंने नहीं बताई थी, ये तो जरूरी है। तो इस तरह से आपका ये वाला आंसर आ गया, गेम ओवर। बाकी जो क्वेश्चन है उनमें फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCN है और Ka की वैल्यू गिवन है, Kb आपका इबिल्योस्कोपिक कांस्टेंट है और Ka का यूज करके हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा निकल गया तो आई निकाल सकते हैं, राइट। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 प्लस अल्फा, इतना सब ड्रामा करने की जरूरत है ही नहीं, Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू Ka बाई सी, ठीक है। तो Ka का यूज करके हम अल्फा निकालने में कामयाब हो जाएंगे, ये आपका अल्फा आ गया,
ये देखो ये अल्फा आ गया, अल्फा को रख दो उसकी जगह पे आई आ गया आपका, ये देखो वन प्लस में अल्फा, ठीक है ना, वन प्लस में अल्फा की वैल्यू ये आई आ गया आपका। आई पता है, के बी की वैल्यू देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये तो पता ही है। अच्छा मोलैलिटी की जो वैल्यू है वो भी क्वेश्चन में सीधी सीधी गिवन दे रखी है, ये देखो मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर मोलैलिटी जो है आपकी 0.1 आ गई, और मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर डेल्टा टीवी। जो दिखते हैं क्वेश्चन मुश्किल वो होते नहीं है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए भी हम ऐसा ही गेम इस्तेमाल करेंगे अपना, जो हमारा अभी तक चल रहा है। तो इस केस में बताइए बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए इसकी वैल्यू K4, इन्होंने कहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए इसको 1 मानते हैं पूरे ऐसे ब्रैक को, तो ये ब्रैक 1 हो गया। चार पोटेशियम में तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी, 5 है। यहाँ आई की वैल्यू आपकी 4 है, यहाँ यूरिया 1 है, यहाँ आपकी आई की वैल्यू 3 है, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम ए में ही होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर की बात करें तो याद रखना जो ब्रैक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, या तो वो 6 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं। जैसे आयरन के केस के लिए यहाँ पर 6 है, कॉपर केस के लिए कई आपने देखा होगा CuCl4, CuCl4 2 नेगेटिव, याद है, याद आया कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये 4 होते हैं। Ag के लिए आपने देखा होगा Ag साइनो ट्वाइस सिंगल नेगेटिव, तो Ag के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकते हैं। तो 6, 4, 2 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लो एक बार, करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट है। भाई देखो क्या ये 5 हो सकते हैं ब्रैक के अंदर, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कभी 5 नहीं हो सकते, गलत। 7 हो सकते हैं ब्रैक के अंदर, कभी नहीं हो सकते, गलत। अच्छा ब्रैक के अंदर 5 हो सकते हैं, ये भी गलत। यहाँ ब्रैक के अंदर 6 है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रैक के अंदर आप या तो 6 या 4 या 2 में से ही एक को पाओगे, ठीक है। देख इन्होंने भी एक बात क्लियर कर दी, बॉक्स को हमेशा एक आयन कंसीडर किया जाता है, इसे बॉक्स बोलते हैं भाई, ये बॉक्स, ठीक है, एक आयन कंसीडर किया जाता है। तो देखो इसमें इस वाले क्वेश्चन में कहा है Fe into में X, और ये NH3Cl2 है जो भी है। सीधी सीधी सी बात कही है इन्होंने, एक्वस मीडियम में बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, सॉल्यूशन का 102 है, के बी की वैल्यू बहुत इजी 1 है। तो बताइए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, एक्स नहीं, यहाँ इनको आई की वैल्यू पूछनी है इनको, आई की वैल्यू यार कितनी मुश्किल होगी। डेल्टा टी भी निकल गया यहाँ से, और यहाँ पर डेल्टा टी भी जो है वो 2 है, यहाँ रख दो, के बी 1 दे ही रखा है, मोलैलिटी भी 1 दे रखी है, ये देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, के बी की वैल्यू यहाँ है, सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन हैविंग फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ आई जो एनालिसिस में यूज होगी, मोलैलिटी आई, अगर ये 1 आ जाए तो आई होगी यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो फिर इसका मतलब 1 मोलैलिटी दे रखी, देनी चाहिए थी भाई, 1 के स्मॉल एम देना चाहिए था, ठीक है। तो ये इसका आ गया, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा इससे बनने वाला वो क्या होगा, Fe अमोनिया जो है वो कितने, 4, Cl2, और एक आयन बाहर है क्योंकि I की वैल्यू 2 है। पूरा ब्रैक जो है वो आपका कंसिडर किया जाएगा एक आयन, तो बाहर का आयन एक और है, तो 2, तो एक Cl आपका बाहर होगा यहाँ पे, ठीक है। मोलैलिटी की वैल्यू बिल्कुल गिवन देनी चाहिए थी यहाँ पर इस क्वेश्चन में, वैसे दे रखी है, इफ सॉल्यूशन इज मोलल 1 मोलल, ये रहा ये दे रखी है, वैसे तो सॉल्यूशन इज 1 मोलर, ठीक है ना। तो बताइए वैल्यू क्या होगी। फाइनली ये एक लास्ट न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम अपने खुद के जो न्यूमेरिकल है वो देखेंगे। 0.1 मोलैलिटी, अब की बार मोलैलिटी गिवन है, के बी की वैल्यू गिवन है, पर्शियन ब्लू कलर जिसका होता है वो है Fe4 FeCN6 का थ्राइस, ये आ गया ये, ठीक है। एक्वस मीडियम का मतलब पानी भी है इसमें, तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है डिसोसिएशन होने के बाद आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 7 आने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ आई की वैल्यू 7 होगी, मोलैलिटी तो पहले ही दे रखी है 0.1, के बी की वैल्यू भी गिवन दे रखी है 0.5, डेल्टा टी भी आपका 0.35, यहाँ से आप टी वी निकाल सकते हो। तो ये कोई खास बड़ा नहीं था, जो था वो पर्शियन ब्लू कलर था। अब इनके क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है जितने हमने पहले उसमें पढ़े थे, ये क्वेश्चन सिर्फ इतने ही है।
NaCl, why is the boiling point of water increase on addition of sodium chloride in it? क्योंकि NaCl के डालने पर some of the solvent molecule surface, मैं तो कहूँ NaCl के डालने पर आप इसका इस्तेमाल करो यार, decrease, 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 ये सबसे बेस्ट है. प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट गेट डिक्रीज, एस्केपिंग मॉलिक्यूल डिक्रीज, वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीज. सेकंड क्वेश्चन कहा है उन्होंने 0.1 मोलल सॉल्यूशन है ग्लूकोज का और सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, किसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा? नो डाउट सोडियम क्लोराइड, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है. डिफाइन मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कर चुके हैं डिफाइन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की एसएनयूट क्या है? केल्विन किलोग्राम पर मोल. आसान आसान से क्वेश्चन ही है. अच्छा, व्हाई इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिफर इन द फॉलोइंग? भाई एनएसीएल में क्या होगी वैल्यू? 2 होगी, नो डाउट, इसकी इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है. और इसमें वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर किसमें है? एनएसीएल में ग्रेटर है. इसीलिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है. कोई बच्चा बता सकता है, अगर मैं पूछता डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा होगा इन दोनों में से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आंसर क्या होगा? चैट सेक्शन कम ऑन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ए और बी में से किसका ज्यादा होगा? शिवानी गलत है, मयूर गलत है, खुशी गलत है, जतिन फिर से ठीक है, और पुनीत बिल्कुल ठीक है. क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, सही पीस ऑफ माइंड यूज किया आपने, बहुत बढ़िया. रिया ये गलत है, करेक्ट आंसर है NaCl. यार मैं पूछ रहा हूं डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, यानी मैं पूछ रहा हूं डेल्टा टीएफ किसका. ये तो यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना आई के, तुम भी यार घूम गए, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ज्यादा भाई एनएसीएल का होगा. लेकिन बात अगर मैं करूं कि सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसका ज्यादा होगा, यानी टीएफ किसका ज्यादा होगा, देन यू हैव टू से आंसर सुगर सॉल्यूशन. तो सुन लो भाई, पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, मैं क्या बोल रहा हूँ. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी किसका ज्यादा होगा? नो डाउट, जिसका आई ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये हो गया आपका. ओके, आगे चलते हैं. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर को क्या कहते हैं? इसे एजोट्रॉप कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा. मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, बिल्कुल हमारी जो डेफिनेशन है वो इससे भी कमाल की डेफिनेशन है. मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप दोनों की है, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल. वेंटो फैक्टर बताओ, K2SO4 पता नहीं कैसे दे दिया, ये 3 है, बहुत आसान है. अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना है, ठीक है भाई, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी ये T₀ है, ये T₀ है, ठीक है, इतना है बॉइलिंग, इतने mmHg पे T₀ है. तो हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड, यानी W₂ आपको निकालना है. 500 ग्राम पानी में, 500 ग्राम पानी W₁ दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, ये सॉल्यूशन का है. जानबूझ के कंफ्यूज किया था कि बच्चे मिक्स हो जाएं, कि वाटर का होता है यार 100 डिग्री, तो मिक्स हो जाएं. मोलल एलिवेशन आपका 0.52 है. तो आपके सामने अगर मैं इनका, तो छोड़ो ये जो भी लिख रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, अगर आपके सामने मैं फॉर्मूला लिख दूं Kb W₂/m₂ × 1000 / W₁, तो क्या क्या चीज आपको गिवन है? देखो डेल्टा टी भी तो देखो माइनस करने के साथ ही पता लग जाएगी, तो डेल्टा टी भी तो आपको पता है कैसे, Tb - Tb₀. अच्छा, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो सुक्रोज है, तो नो डाउट आई की वैल्यू 1 है, हटाओ इसे भी. केवी की वैल्यू बिल्कुल गिवन है 0.52, हटाओ इसे भी. ये आपको पूछ रहा है एम टू मोलर मास सुक्रोज का बिल्कुल होता है 342, हटाओ इसे भी, 1000 तो पता ही है, हटाओ. डब्ल्यू वन दे ही रखा है क्वेश्चन में, 500 ग्राम पानी है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, योर आंसर विल बी 1108.21. खेल खत्म, ठीक है ना. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा आसान है. कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, टी भी निकालना है, कैम्फर का क्वेश्चन है. डेल्टा टी बी के लिए मैं यहाँ भी फॉर्मूला लिखता हूँ, देखते हैं वैल्यू आप एनालाइज कर पाओगे या नहीं. Kb × W₂/m₂ × 1000 / W₁, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी बी निकाल, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए पहले यही निकालना होगा, नो डाउट. तो मैं इसको ये फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू क्या होगी?
कैम्फर, कैम्फर में आई की वैल्यू 1 होती है तो हटाओ इसे भी। केबी की वैल्यू दे ही रखी है इन्होंने, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पर ग्राम इतनी है तो ये केबी की वैल्यू होगी। W2 दे रखा है इतना ग्राम कैम्फर है, हटाओ इसे भी। मोलर मास कैम्फर का एग्जाम में गिवन होगा, देखो इनका भी गिवन है 152, हटाओ इसे भी। W1 इतने ग्राम एसीटोन में डाला है तो एसीटोन ये रहा, हटाओ इसे भी। तो आंसर आपका डेल्टा टीवी ये आ गया। ठीक है, जैसे डेल्टा टीवी आया तो दूसरा बार तो निकाल ही सकते हो यार, सिंपल। क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन दे रखा तो यहाँ 100 डिग्री मत कर देना बस, पानी की तरह याद है ना पानी बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बचते हैं हमारे तो जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज है, 1 किलोग्राम पानी है, सॉसपेन में डाला, ये तो खैर हमारे नोट्स में भी है। चलो देखते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या, आई इंटू के बी इंटू W2 बाई M2 इंटू में 1000 बाई W1। क्या क्या चीज गिवन है, 18 ग्राम ग्लूकोज, हटाओ इसे। हमें निकालना क्या है, व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, सॉसपेन में दोनों सॉल्यूशन होते हैं, सोल्यूट भी सोल्यूशन में, तो जब गर्म करोगे तो यार पानी ही बॉयल होगा, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने कहा है व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉयल का मतलब ये असल में पूछना चाह रहे हैं टीवी के बारे में, ना कि टीवी नॉट। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहे हैं। ये आई की वैल्यू क्या होगी, ग्लूकोज है हटाओ 1 होगी। केवी की वैल्यू दे रखी है ये रहा 0.52, हटाओ इसे भी। मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, हटाओ। W1 1 किलोग्राम पानी दे रखा है तो 1000 ग्राम हो जाएगा, हटाओ इसे। सो दिस इज योर डेल्टा टीवी, और ये हमने अपने नोट्स में भी किया हुआ है, कईयों को तो याद भी होगा। अगला क्वेश्चन है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाई इतना डिग्री, तो बताओ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी के बी बताओ इस बार, ये के बी बताओ। ठीक है ना, और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दे दिया तो आई की वैल्यू तो पहले से क्या होगी, 1, हटाओ इसे। अब हमारे पास सिर्फ दो ही चीज निकालनी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इतने मोलल मोलल की वैल्यू दे रखी है, इसे हटा दो। ठीक है, ये तो आपको दे रखी है और मैं इसको भी हटा रहा हूँ एक बार, ये फाइंड आउट करनी है, ये आपकी गिवन दे रखी है। डेल्टा टीवी क्या होगा आपका, वो दे ही रखा है इन्होंने, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, देखो इंक्रीज हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, बात एक ही है, 0.01 ये दे रखा है, डिवाइड कर दो आंसर आएगा, कुछ था ही नहीं। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, आपके नोट्स में भी है। कल की क्लास में हम आपके नोट्स के और न्यूमेरिकल जो है, फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल जो है, और क्या नाम है, वेंट ऑफ फैक्टर के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, 4 न्यूमेरिकल है बड़े कमाल के, वो भी डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास ही न्यूमेरिकल क्लास होगी, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो भाई फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा टी वी इक्वल टू आई इंटू के वी इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। तो देखते हैं क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, डिटरमाइन मोलर मास यानी हमें ये फाइंड आउट करना है इस बार। तो क्या क्या चीज है, डेल्टा टी वी भाई इससे और इससे माइनस कर दो, डेल्टा टी वी आ गया, हटाओ इसे। आई की वैल्यू क्या है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ये 1 होता है। के बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे गिवन है, ये हटाओ इसे। W2 ये रहा इतने ग्राम, ये हटाओ इसे। W1 ये रहा आपका 9.9 ग्राम बेंजीन में डाल दिया, ये भी हटाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर 152.12 ग्राम पर मोल। क्लियर, तो ये थी आज की यहाँ तक की क्लास। आई की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो भाई अपने नोट्स में, हालांकि हम कल की क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं नो डाउट, तो आई की वैल्यू एक बार सारी की सारी जो है वो जरूर देख लेना, और कल की क्लास न्यूमेरिकल क्लास ही होगी, ये देखो इतने न्यूमेरिकल हैं जो हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, एनसीआरटी आउट ऑफ एनसीआरटी सारे के सारे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले ये सारी की सारी आई की वैल्यू जो थी वो मैं देखी थी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जहाँ 0% डिसोसिएशन होता है, तो ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, पॉलीमर, प्रोटीन, इथेनॉल, इथाइलिन, ग्लाइकोल, ग्रिसरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है ना, ये सारी आ गई। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो फॉर्मूला बताई दिया डिसोसिएशन है, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस वन, कितना भी परसेंटेज दे रखा हूँ फाइंड आउट कर देंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो देखना पड़ेगा, NaCl ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन इससे भी बहुत खास आपने आज एलम भी देखा, ठीक है ना, और वो एक और कंपाउंड है जिसमें .7H2 वो भी देखा, जिसमें आई की वैल्यू 7 थी, आई की वैल्यू 8 तक की भी हमने आज देखी। ठीक है, तो
तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। कल की क्लास में हम करेंगे इसी आपके जो नोट्स हैं इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।